तीसरी राशि होते मिथुन राशि होते, आज आपके कई बड़े अवसरों का लाभ मिलेगा और ऐसे लाभ मिलेगा जिससे आपका काफ़ी मन खुश रहेगा। सलाह से आज आप धन कमाएंगे, जो आपकी सलाह होगी बहुत कीमती होगी, आप राय देने का विधि के क्षेत्र से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आर्थिक क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ होगा, अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो जैसे योजना बनाने प्लानिंग करें, कई प्रकार से धन आ सकता है, उसके लिए बेहतर समय चल रहा है। थोड़ा आँख को लेकर सावधानी बरतें, उसमें नेत्र पीड़ा हो सकता है, इससे बचना है। और जो मिथुन राशि ले जाता है, आज आपके लग्न से दूसरे भाव में कर्क का राहु है, तो आज थोड़ा ध्यान रखना है कि वाणी अच्छा बोलना है और जो बात आपको अप्रिय लगे और संबंध आपका खराब लगे तो उस तरह का ना प्रिय संबंध किसी से रखें और ना प्रिय भाषा का प्रयोग करें। अगर जितना सहृदयतापूर्वक वातावरण रखेंगे, जितना सहृदय होंगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। आपका जो केतु मंगल है अष्टम भाव में है, तो आपको तेज गाड़ी चलाने से परहेज करना है। कोई नया व्यापार करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। और समुद्र के किनारे अगर कोई व्यापार करेंगे तो शायद आपको लाभ मिलेगा। और बृहस्पति शुक्र आपका पंचम हाउस में बैठा, तो संतति आपकी बहुत अच्छी होंगी, संतान से लाभ होगा, संतान ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी चीज़ उतावलेपन में ना करे, उतावलेपन से बचने की जरूरत है। बड़ों की बात मानना आपके लिए अच्छा रहेगा, गुस्सा पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि मंदिर में आज मूंग दान करें। मूंग अगर दान करते हैं बहुत अच्छा, मूंग की दाल। और लक आपके लिए शुभ अंक 2 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।